टू माई चैनल। तो मैंने कर लिया है एकदम से फटाफट अपने सारे काम, और अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा वक्त अपने फेस के लिए निकाल लूँ, क्योंकि डेली तो ये मतलब मॉर्निंग में ये रूटीन फॉलो करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी लोगों का मैक्सिमम लोगों का मॉर्निंग का जो शेड्यूल होता है वो थोड़ा बिजी होता है, और मेरा भी कुछ ऐसे ही है, थोड़ा बिजी तो होता ही है। और जिस दिन बिजी नहीं होता है उस दिन मैं ही थोड़ी आलसी हो जाती हूँ और अपने फेस के लिए टाइम नहीं निकालती हूँ। तो मैं आज मतलब घर पे ही अपने फेस की बहुत अच्छे से क्लीनअप प्लस साथ ही साथ फेशियल भी करने वाली हूँ। जब कोरोना है तो उस वजह से पार्लर वगैरह जाना सेफ नहीं है, तो घर बैठे ही हम लोग ये काम कर सकते हैं जो कि हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। तो गाइज़ सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आज जो अपना फेस का क्लीनअप प्लस फेशियल जो करने वाली हूँ, ये मतलब घर में ही आपके पास पड़े होते हैं कुछ ऐसे सामान जिनसे उन्हीं को ही यूज़ करके मैं करने वाली हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ पहले से अरेंज करके रखने होंगे तभी आप ये काम कर सकते हो। मतलब ये फटाफट से आपके पास अगर होंगे तो ये जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये कॉफ़ी फेशियल जो है वो मतलब पूरी तरह से ये नेचुरल होता है, नेचुरल इंग्रीडियंट्स इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक तरीका है जिससे हम अपना अभी कोरोना पीरियड में काम चला सकते हैं। तो पार्लर जाने की आपको फिलहाल तो ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है अगर आप इसे एक बार ट्राई करें तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है ये गुलाब जल। मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस को अच्छी तरह से क्लींस करने के लिए। तो कोई भी आप फेशियल करो या क्लीनअप करो, कुछ भी करना है तो आप सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मैंने कोई मेकअप वगैरह अभी अप्लाई नहीं किया है, हालांकि मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने फेस को क्लीन किया था, बट स्टिल चलो ये भी एक स्टेप है फेस को क्लीन करना। तो मैं पूरे स्टेप्स के साथ आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से अपने फेस को क्लीन कर लिया, कोई मेकअप नहीं है इसमें। तो ये मैंने छोटा सा बाउल ले लिया है, इस कटोरी में मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर लिया है। आप जस्ट स्क्रबिंग के उतना ही जितना आपको ज़रूरत हो, आपके फेस के अकॉर्डिंग आप उतना ही क्वान्टिटी में लेना। दूसरा मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा गुलाब जल। ये देखिए मैं गुलाब जल इसमें ऐड कर दी। नेक्स्ट इसमें जाएगा कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की जगह पे आप बादाम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोकोनट वर्जिन ऑयल आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके फेस के अकॉर्डिंग आप वो जानते होंगे कि आपके फेस को कौन सा ऑयल यूज़ मतलब सूट करता है, आप वही डालिए। तो मुझे ये कोकोनट ऑयल सूट करता है तो इसलिए मैं ये कोकोनट ऑयल डाल देती हूँ थोड़ा सा। और इसमें वन इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है शुगर पाउडर। शुगर को आपने अच्छे से एकदम फाइन पाउडर बना लेना है और थोड़ा सा वो उसमें मिक्स कर लेना है। ऐसे आपको लगाने हैं। उसके बाद अपने दोनों हाथों से, आप हल्के हल्के हाथों से ऐसे स्क्रब। एक से दो मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसे फेस को वॉश कर लूंगी। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, और वो होगा हमारा मसाज। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे मसाज। तो मसाज के लिए अगर आपके पास कोई मसाज क्रीम है ऑलरेडी घर पे पड़ी हुई तो आप उससे भी कर सकते हैं, वरना एलोवेरा जेल तो सबको ही यूज़ करते हैं, वो उसके तो बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स है यूज़ करने के लिए। तो मैं भी रखती हूँ। आपको सबसे पहले लेना है एलोवेरा जेल, और उसमें आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या तो वो विटामिन ई की कैप्सूल जो आती है उसकी ऑयल भी आप उसमें डाल सकते हो, या फिर कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, वर्जिन कोकोनट ऑयल ले सकते हो, या फिर बादाम के ऑयल ले सकते हो। उसमें मिक्स करके एलोवेरा जेल में आपको अपने पूरे फेस के अच्छे से 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पूरे फेस को मसाज करने हैं। तो मैं ये एलोवेरा जेल सबसे पहले ले रही हूँ मसाज के लिए। ये आपको ज़्यादा नहीं लेना है, अपने फेस के अकॉर्डिंग आप जितना आपका यूज़ हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप बनाएं। और मेरे पास ये विटामिन ई की कैप्सूल्स हैं तो मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए कितनी स्मूथ सी ये एक तरीके से मसाज क्रीम बनकर रेडी हो गई है। और अब मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने फेस पर और इसे अच्छे से मसाज करूँगी कुछ मिनटों के लिए। जब भी अपने फेस की मसाज करें तो हमेशा उसे अपवर्ड डायरेक्शन में करना है, नीचे डाउन टूवर्ड्स कभी नहीं करना है। तो गाइस अब 7-8 मिनट हो चुके हैं मुझे मसाज करते हुए, तो मैं इसे वॉश कर लूंगी। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फेस पैक। तो अब हमें फेस पैक लगाना है और उसके लिए हमें चाहिए होगा कुछ ये सब इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले कॉफ़ी पाउडर लेंगे, ये देखिए मैंने ले लिया यहाँ पे थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, और इसमें आप चंदन पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चंदन पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पे मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल ये मुल्तानी मिट्टी है तो मैं मुल्तानी मिट्टी ही इसमें डाल रही हूँ। तीसरा इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल, तो आप ये किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाल दी हूँ एलोवेरा जेल। अब इसमें जाएगा ये हनी, और ऑयल में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑयल। ऑयल में आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके स्किन को सूट करती है, और अगर ऑयल आपके फेस को नहीं सूट करती है तो आप नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोई फेस पैक लगाने से हमारा स्किन थोड़ा सा ड्राई हो जाता है ना, तो अगर इसमें हम कोई भी ऑयल यूज़ करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि हमारा स्किन उतना भी ज़्यादा मतलब ड्राइनेस वाला फीलिंग नहीं आएगी। और सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट है ये नींबू, लेमन जूस आप इसमें थोड़ा सा ज़रूर डालें। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसकी जगह पे टमाटो का यूज़ भी कर सकते हैं। टमाटो का जो जूस होता है वो आप आराम से निकाल सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। भाई टमाटर तो घर पे होता ही है सबके। तो आप बस इतने सारे इंग्रेडिएंट को कर लो अच्छे से मिक्स और फिर इसे लगा लो अपने फेस पे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो ये फेस पैक अगर थोड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, थोड़ा ज़्यादा ही पतला हो जाता है ना, तो आप उसमें आराम से मुल्तानी मिट्टी या चंदन पाउडर जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेना, तो उससे क्या होगा ना कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी मोटी हो जाएगी। तो फेस पैक तो कम से कम इतना मोटा तो होना चाहिए कि फेस पे आराम से टिक सके, ऐसा ना हो कि वो फेस पर से फिसल कर नीचे टपकता रहे। अच्छे से अप्लाई करेंगे वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, कभी भी नीचे की डायरेक्शन में हमें नहीं लगाने चाहिए। तो मैं इसे आराम से अपवर्ड डायरेक्शन में यूज़ कर लूँगी। और एक गाइस एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये शेयर करनी थी कि ये कॉफ़ी का जो स्क्रब होता है ना, ये आप अपने कहीं भी डार्क एरिया है आपके बॉडी में तो आप उससे आराम से स्क्रब कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट आपको देता है। तो आप कहीं पर भी डार्क अगर आपका एरिया है, जैसे कि हमारा एल्बोज होता है ये जगह डार्क होता है, नीज डार्क होती है, या फिर कभी कभी टोज में भी डार्कनेस होता है किसी किसी को, तो आराम से आप ये यूज कर सकते हो। ये देखिए मैंने पूरे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, नेक पे भी अप्लाई कर लिया है। तो आप इसे अच्छे से ड्राई होने दें, मतलब लगभग आपको 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएंगे क्योंकि अभी समर का सीजन है तो थोड़ा वक्त लगता है इसे ड्राई होने में। तो आप जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसे हल्के गुनगुने पानी में या फिर नॉर्मल वाटर में भी आप वॉश कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप देखिएगा अपने फेस पे निकाल। तब तक ये मेरा ये फेस पैक जब तक ये सूख रहा है तब तक मैंने ये कल ना अमेज़ॉन पैंट्री से घर के राशन वगैरह मंगाए थे। तो ये देखो ये मैंने जस्ट कल ना सैनिटाइज वगैरह करके रख दिया था, बट इसे अरेंज करके सही जगह पे नहीं रखी थी अपने किचन में। तो मुझे अभी वो सब ये करने हैं। जब तक ये सूख जाता है तब तक मैं बाकी सारे काम समेट लेती हूँ जो कुछ भी बचा है। अभी मतलब कोरोना पीरियड चल रहा है ना, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मतलब जितना ही हो सके होम डिलीवरीज करवाऊँ घर पे जो कुछ भी नीडेड है उन सब की। तो इसीलिए मैंने अमेज़ॉन पैंट्री से ही किया, और सच बताऊँ तो बहुत अच्छी सर्विस है। जिस एक दिन में उन्होंने मेरे घर पे सारा ये सब डिलीवर कर दिया, तो मुझे तो बहुत अच्छी सर्विस लगती है अमेज़ॉन पैंट्री की। देखिए ये मेरा फेस पैक पूरी तरह से सूख चुका है, बहुत ही ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस मैंने अच्छे से वॉश कर लिया अपने फेस को, और अब हम सबसे लास्ट स्टेप है कि हम अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं आप वो लगा सकते हैं। तो गाइज़ आपने देखा ही होगा कि हम घर बैठे अपनी फेशियल कैसे कर सकते हैं, और वो भी कुछ ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ जो कि हमारे घर पे ऑलमोस्ट अवेलेबल रहती है, और हमें एकदम इंस्टेंट ग्लो मिलता है। ये आप कभी भी शादी हो या पार्टी हो, कभी भी आप पार्लर अगर नहीं जा पाते हैं तो इसे आप अपने घर पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, और इससे आपको ज़रूर ही फ़ायदा होगा। तो आपको ये वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।